हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल News48। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हों, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज हम आपको सबसे पहले देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के बारे में, तो कौन से राज्य में कितना मानदेय बहनों को दिया जा रहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। भारत के वह राज्य जहाँ पर मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को फिलहाल कितने मिल रहे हैं, तो बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में मानदेय है 11,811 रुपये कार्यकर्ता का, सहायिका का मानदेय है 6,045 रुपये, मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये कार्यकर्ता का और सहायिका का मानदेय है 5,000 रुपये। मध्य प्रदेश राज्य में पहले मानदेय 11,500 रुपये किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने बहनों के मानदेय में कटौती की, जिसके बाद अब उन्हें 10,000 रुपये मानदेय जो है वो महीने का कार्यकर्ता को दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कार्यकर्ता का मानदेय है 10,500 रुपये और सहायिका का मानदेय है 6,000 रुपये प्रति महीने। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कार्यकर्ता का मानदेय है 9,675 रुपये और सहायिका का मानदेय है 4,839 रुपये। अगर बात करें केरल की, तो केरल में कार्यकर्ता का मानदेय है 10,000 रुपये। अगर बात करें इसके बाद में अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई को मानदेय बढ़ाया गया था और कार्यकर्ता का मानदेय जो है वो छत्तीसगढ़ में 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 1,250 रुपये बढ़ाया गया, जो कि 4,500 रुपये हो गया, और सहायिका के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब 3,250 रुपये जो मानदेय है वह छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किया गया है। इसके बाद में अगर बात करें बिहार राज्य की, तो 2,00,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिला। 25% मानदेय बढ़ाया गया बिहार के अंदर, कार्यकर्ता को लगभग 4,500 से बढ़ाकर 5,600 रुपये और सहायिका का मानदेय 3,700 से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया बिहार राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बहनों को बहुत ही कम मानदेय मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1,500 रुपये की जो बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, वो मानदेय ने बढ़ाकर प्रोत्साहन राशि नाम दिया गया, जिसकी बहनें विरोध कर रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनें अपनी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो बहनों, बहुत से राज्यों के अंदर अभी भी मानदेय बेहद कम है, तो उसमें बढ़ोतरी होना आवश्यक है। अगर बात करें अन्य राज्यों में, तो वहाँ पर अभी भी मानदेय जो है वो काफ़ी कम दिया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर 7,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है कार्यकर्ता को, तो बहुत से राज्यों के अंदर अभी भी मानदेय बढ़ाया जाना जरूरी है। तो बहनों, आपके राज्य में आपको कितना मानदेय मिलता है आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप कौन से राज्य में रहते हैं, मानदेय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपके राज्य की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आंगनबाड़ी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।